हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरिता राठी क्लासेस। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो चैप्टर है बच्चे, आज की जो क्लास में हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो चैप्टर है क्लास 10th का चैप्टर 2, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये चैप्टर काफी टाइम से सीबीएसई फाइनल एग्जामिनेशन में इवेल्युएट नहीं कर रही थी, इसको सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में क्या है करवाया जा रहा था। आप सीबीएसई ने इस चैप्टर को क्या है आपके सिलेबस में एड किया है। पहले हम इसको लाइटली करते थे कि कोई बात नहीं, जो टेस्ट है, यूनिट टेस्ट है, उन्हीं के अंदर क्या है इसको, इस चैप्टर को रिवाइज करवाया जाएगा और टेस्ट क्या वहां पर लिए जाएंगे। लेकिन अब क्या है, हम इसको रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ताकि बेटर स्कोरिंग हो सके। तो आपका चैप्टर कौन सा है बच्चे आज का, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो आज की क्लास में हम इस चैप्टर को थोरोली करेंगे, ठीक है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आपका क्या है चैप्टर है यहाँ पर, ठीक है। प्रीवियस जो आपकी क्लास थी उसमें हमने जब चैप्टर फर्स्ट जब किया था तो उसमें आपको क्या बताया गया था रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्स क्या होता है, वो सारे कंपोनेंट, वो सारी चीजें जो आपके एनवायरमेंट में अवेलेबल है और आपकी नीड्स को फुलफिल करते हैं। तो वो सारे के सारे कंपोनेंट किस में डाले जाएंगे, रिसोर्स में डाले जाएंगे। अब इस चैप्टर में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को क्या कहा जा रहा है, रिसोर्सेज कहा जा रहा है, उसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। वी शेयर दिस प्लेनेट विद मिलियन ऑफ अदर लिविंग बीइंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, ट्रीज, एलिफेंट, ब्लू व्हेल्स एक्सेट्रा। अब यहां कौन से प्लेनेट की बात हो रही है, अर्थ की बात हो रही है, जिसपे हम सभी के सभी क्या करते हैं, रिजाइड करते हैं। हमारा जो लाइफ साइकिल है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, इसी प्लेनेट के ऊपर, इसके ऊपर जो अवेलेबल एनवायरमेंट है उस एनवायरमेंट के ऊपर। और यहाँ पर अकेले हम नहीं रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे और लिविंग बींग भी रहते हैं, ठीक है। तो हम शेयर करते हैं इस प्लेनेट को दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके जो आपके जाइंट जो लिविंग बींग हम कह सकते हैं उनके साथ, ठीक है। दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज इमेंस बायोडायवर्सिटी। और जिस हैबिटेट में हम रहते हैं, अर्थ पर जहां पर हम रहते हैं, वहां पर काफी बायोडायवर्सिटी, मतलब अलग अलग वैरायटी के यहाँ पर पेड़ पौधे मिलते हैं, वेजिटेशन मिलती है, और यहाँ पर क्या लिविंग बींग मिलते हैं, ठीक है। छोटे छोटे इंसेक्ट से लेके बड़े बड़े हाथी, एलिफेंट तक के जो है एनिमल्स यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, ठीक है। जो आपके वाटर के अलग है, आपके हवा में उड़ने वाले अलग है, और अर्थ पर रहने वाले, जो लैंड है उस पर रहने वाले अलग है। तो इस तरीके से एक वैरायटी ऑफ हमें क्या है हैबिटेट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। We humans, along with all living organisms, form a complex web of ecological system. हम जो अलग अलग तरीके के यहाँ पर लिविंग बींग रहते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स वेब, एक जाल सा बनाते हैं, ठीक है, जो आपस में ही उलझा हुआ होता है, किसका, इकोलॉजिकल सिस्टम का। इन विच वी आर ओनली अ पार्ट एंड वेरी मच डिपेंड ऑन दिस सिस्टम फॉर ओन एग्जिस्टेंस। आपने बच्चे छोटे क्लासेस में या नाइन्थ में जो आपका चैप्टर था वेजिटेशन वाला, तो उसमें आपने समझने की कोशिश की, वो चैप्टर आप कर चुके हो, और अब आप 10th क्लास में हो, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इजी रहेगा। कैसे, जो ट्रीज हैं या छोटे छोटे इस तरीके के जो प्लांट्स हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, और उनके ऊपर क्या हम सभी के सभी क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारी बॉडी भी किसी और जो इंसेक्ट्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके खाने का काम करती है, ठीक है, कि हम भी उनके लिए क्या बन जाते हैं, एक बेस बन जाते हैं। इसलिए हम इंटरडिपेंड करते हैं एक दूसरे पर, किस चीज के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए। Forest plays a key role in the ecological system as these are also the primary producers on which all other living beings depend. ठीक है, क्यों forest हमारे लिए main क्यों हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनके ऊपर हम सभी के सभी depend करते हैं। Oxygen हमें मिलती है, जो food है वो हमें मिलता है, दूसरी हमारी जो need की, जो दूसरे यहाँ पर क्या है कंपोनेंट्स है वो हमें फॉरेस्ट अवेलेबल करवाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें किस में आ जाती हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर में आ जाती है। इकोलॉजिकल सिस्टम का प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या बन जाता है, फॉरेस्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, या बायोडायवर्सिटी, ये पूरा का पूरा आपका जो कॉन्सेप्ट है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, एनसीईआरटी से सारे के सारे जो टॉपिक्स आपके इस सेशन में, इस क्लास में उठाए, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल से अभी अभी जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। व्हाट इज बायोडायवर्सिटी,
बायोडायवर्सिटी और बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, आप भी बताया जब वैरायटी ऑफ कंपोनेंट कहीं पर होते हैं, वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स जहां पर होते हैं, वो क्या होती है आपकी बायोडायवर्सिटी, ठीक है, या बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, उसी को हम यहाँ पर रीड करते हैं। बायोडायवर्सिटी इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज, डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। अभी बताया कि पेड़ पौधों से हम ले रहे हैं, ठीक है, हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं और वो डायरेक्ट हमें किसकी जड़ों में डाल रहे हैं, पेड़ों की जड़ों में डाल रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया, एक सर्कल बन गया और इसी को क्या बोला गया, इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके चैप्टर में आ जाता है व्हाट इज फ्लोरा एंड फूना, ठीक है, फ्लोरा और फूना क्या है। फ्लोरा इज ऑल द प्लांट्स, फ्लोरा में क्या आपका डाला जाता है, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स की स्पीसीज हैं, वो सारी की सारी क्या किस में काउंट की जाएंगी, फ्लोरा में काउंट की जाएंगी। वहीं पे फूना में, फूना इज ऑल्सो फूना इज ऑल ऑफ द एनिमल्स लाइफ प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर रीजन और टाइम, एक पर्टिकुलर रीजन में। सपोज इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक टाइम में जितने वैरायटी ऑफ एनिमल्स वहां पर हैं, अवेलेबल हैं, वो किस में आएंगे, फोना में आएंगे, और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दो टाइप आपकी पता चल गई, इंडिया इज, एक सेकेंड, हाँ जी, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट एरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इंडिया में जो अलग अलग तरीके की वेजिटेशन है, अलग अलग तरीके के जो एनिमल्स हैं, वो काफी वैरायटी में यहाँ पर अवेलेबल है, और इसीलिए इंडिया कंट्री को कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्रीज में। यहाँ पर हैज नियरली 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड, की वर्ल्ड के टोटल 8% जो वैरायटी ऑफ स्पीसीज है यहाँ पर अवेलेबल है, जो टोटल कितनी है, 1.6 मिलियन, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट बचे यहां पर जो आपके लिए नेसेसरी है, सम एस्टिमेटेड सजेस्ट दैट एटलीस्ट 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल आर ऑन द थ्रेटेंड लिस्ट, कि 10% और आपके 20% का जो डाटा यहां पर बताया गया है वो आपके क्या है, डेंजर की कगार पे, ठीक है, कि वो वैरायटी ऑफ आपकी जो यहां पर अवेलेबल करवाई गई है वो परसेंटेज क्या है, खत्म होने की कगार पर है, किसी भी टाइम पर क्या है, धीरे धीरे जैसे टाइम पास होगा गुजरेगा उससे क्या है, वो खत्म होने की कगार पर है। मतलब आपके धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ये पेड़ पौधे, ये मैमल्स आपके क्या है, हमें दिखाई नहीं देंगे। जैसे कि आप मूवीज देखते हो जिसमें आपने डायनासोर के बारे में, ठीक है, जुरासिक पार्क वाली जो मूवीज है उसमें डायनासोर को दिखाया जाता है, जो आज नहीं है लेकिन कभी वो थी, ठीक है। इसी तरीके से ये जो 10% और 20% का जो आपका यहाँ पर मैमल्स का जो डाटा अवेलेबल करवाया गया, ये इसी तरीके से खत्म होने के दायरे में आ चुके हैं। मेनी ऑफ दीज वुड नाउ बी कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकल, और इन्हीं में से बहुत सारे जो स्पीसीज है उनको क्रिटिकल जो आपका क्राइटेरिया है उसके अंदर क्या रखा गया, दैट इज ऑन द वर्ड्स ऑफ एक्सटिंक्शन, लाइक द चीता, पिंक हैंडेड डक, माउंटेन क्विल, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउटलेट। इस तरीके के और भी आपके कहे यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स आपके दिखाए गए। तो ये जो आपके कुछ पर्टिकुलर नाम आपको अवेलेबल मैंने कराए हैं, ये कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, ठीक है, कभी भी खत्म हो सकते हैं। हमारे पास कुछ ही नंबरिंग में क्या है, ये बचे हुए हैं, ठीक है, ज्यादा अबंडेंस में क्या है हमारे पास अब ये नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्या है, इनको आपके यहां पर एक्सटिंक्शन जो ग्रुप है इसमें डाला गया है। डू यू नो ओवर 81,000 स्पीसीज ऑफ फूना एंड 47,000 स्पीसीज ऑफ फ्लोरा आर फाउंड इन दिस कंट्री, इन दिस कंट्री, इन इंडिया। ऑफ द एस्टिमेटेड 47 प्लांट स्पीसीज, अबाउट 15,000 फ्लावरिंग स्पीसीज आर एंडेमिक टू इंडिया, जिसमें से आपकी कितनी 47 जो यहाँ पर 47,000 जो स्पीसीज दी गई है उसमें से 15,000 अलग अलग वराइटीज है किसकी, फ्लावर्स की, और जो क्या है आपके एंडेमिक है, ठीक है। बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN डिपार्टमेंट जो है, वी कैन क्लासिफाई एज फॉलोज, और उन्होंने जो स्पीसीज हैं उनके लिए कुछ बेस रखा है, कुछ क्राइटेरिया रखा है, जिसके बेसिस पे क्या करते हैं ये इनको क्लासिफाई कर रहे हैं, इनको डिवाइड कर रहे हैं, इनको अलग अलग ग्रुप्स में डाल रहे हैं। तो कौन से हैं वो, फर्स्ट देखिए आपका, फर्स्ट यहां पर आ जाता है नॉर्मल स्पीसीज, किसकी बात हो रही है, नॉर्मल स्पीसीज की।
स्पीसीज हुज पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल, मतलब जो काफी संख्या में, ठीक है, काफी नंबरिंग में हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल है, ठीक है, तो हम इनको किस में कंसिडर करेंगे, नॉर्मल स्पीसीज में। नेक्स्ट जो टर्म आ जाती है, नेक्स्ट जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन आ जाता है, वो क्लासिफिकेशन आ जाता है एंडेंजर्ड स्पीसीज। दीज आर स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, जो खत्म होने के खतरे के अंदर है लेकिन अभी है। द सर्वाइवल ऑफ सच स्पीसीज इज डिफिकल्ट इफ द नेगेटिव फैक्टर्स दैट हैव लेड टू देयर डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ऑपरेट। जिस तरीके से नेगेटिव फैक्टर, मतलब जो उनके लिए नुकसानदायक है, जो स्पीसीज को, उन प्रजातियों को यहाँ पर जीवन देने में नकारात्मक है, उनकी लाइफ को छीन रही है, अगर इस तरीके के फैक्टर इंक्रीज होते रहे तो ये स्पीसीज आपकी क्या हो जाएंगे, जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। द एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज आर ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एश, इंडियन राइनो, लॉन्ग टेल्ड मैकाओ और शंघाई। इस तरीके के आपके कुछ क्या है यहाँ पर स्पीसीज जो है डाली है, जो किसमें है आपके इंडेंजर्ड स्पीसीज में। नेक्स्ट आ जाती है आपकी टर्म जो आपकी बुक में ही दी गई है, नेक्स्ट आ जाती है वल्नरेबल स्पीसीज। दीज आर स्पीसीज हूज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड टू लेवल्स फ्रॉम वेयर इट इज लाइकली टू मूव इनटू इंडेंजर्ड कैटेगरी। ये जो पर्टिकुलर स्पीसीज हैं, इनके जो पॉपुलेशन है, इनकी जो नंबरिंग है, धीरे धीरे घटती जाती है। किस लेवल पे चली जाती है कि ये धीरे धीरे इंडेंजर्ड में क्या है आपके चले जाएंगे, ठीक है, इंडेंजर्ड की जो कैटेगरी है उसमें इनको शामिल कर लिया जाएगा। और यहां पर भी सेम फैक्टर आपके कौन से आ जाते हैं, नेगेटिव फैक्टर, जो इनको बार बार क्या कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं, बार बार इनके जान या इनके यहाँ पर सर्वाइवल के जो एनवायरमेंट है उसको हार्म कर रहे हैं, और जिससे क्या है ये वल्नरेबल से आपके किस में चले जाएंगे, इंडेंजर्ड में चले जाएंगे। नेक्स्ट टर्म बच्चे, नेक्स्ट टर्म देखेंगे, नेक्स्ट टर्म आपके यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे रेयर स्पीसीज, ठीक है, रेयर स्पीसीज, ठीक है, नाम से पता चल रहा है जो कुछ होते कहीं कहीं पर पाए जाते हैं। स्पीसीज विद स्मॉल पॉपुलेशन मे मूव इनटू द एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी इफ द नेगेटिव फैक्टर्स इफेक्टिंग देम कंटिन्यू टू ऑपरेट, ठीक है, तो आपके एंडेंजर्ड किसमें, आपके जो इंडेंजर्ड, उसके बाद आपके कौन सी है वल्नरेबल। अब जो रेयर स्पीसीज है, धीरे धीरे जो आपके कुछ नंबरिंग में जो आपके एनिमल्स, फ्लोरा, फूना जो अवेलेबल है, और धीरे धीरे नेगेटिव फैक्टर्स के उनके ऊपर असर डालते जा रहे, तो वो किसमें हो जाएंगे आपके, रेयर में, ठीक है, कि कहीं कहीं वर्ल्ड में वो चीजें आपको क्या है, कहीं कहीं मिलेंगी, हर जगह जैसे पहले मिलती थी वैसे अब अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए इस तरीके की जो आपके स्पीसीज है उनको किसमें डाला जाता है, रेयर स्पीसीज में, ठीक है। एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है द हिमालय, द एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्पीसीज आर द हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फोक्स एंड हॉर्नबिल एक्सेट्रा। ये आपकी क्या है, रेयर स्पीसीज है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपकी जो स्पीसीज का टाइप आ जाता है क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट कौन सा बचे, एंडेमिक स्पीसीज। दीज आर स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज। एंडेमिक स्पीसीज आपकी कहां, कुछ पर्टिकुलर एरियाज में पाई जाती है, यूजुअली आइसोलेटेड बाई नेचुरल और ज्योग्राफिकल बैरियर्स, जो आइसोलेटेड, जो कटे छटे एरिया है बाकी फ्लो से, वहां पर क्या है ये पाए जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज आर द अंडमान टील, ठीक है, निकोबार पीजन, अंडमान वाइल्ड पिग, ठीक है, और इस तरीके के आपके क्या है, और भी बहुत सारी स्पीसीज हैं जो एंडेमिक कैटेगरी में प्लेस की गई है, क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे, नेक्स्ट आपके आ जाते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ठीक है, जो खत्म हो चुकी है। दीज आर स्पीसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेस ऑफ नोन और लाइकली एरियाज। इस तरीके की स्पीसीज काफी खोजने के बाद भी हमारे जहां पर वो पहले अवेलेबल थी उन एरियाज में नहीं पाई जाती, तो इस तरीके की जो स्पीसीज है उसको किस में डाला जाता है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज में डाला जाता है। आ स्पीसीज मे बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम आर लोकल एरिया, रीजन, कंट्री, कंटिनेंट और द एंटायर अर्थ, ठीक है। एक्सटिंक्ट जो स्पीसीज है वो पर्टिकुलर एक एरिया से, ठीक है, आपका कंट्री से, वर्ल्ड से, और धीरे धीरे क्या कंप्लीट अर्थ से क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। और इस तरीके की स्पीसीज आपकी क्या कहलाती है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, जिसमें एशियाटिक चीता है, ठीक है, पिंक हैंड डक है, जो आपकी किस में डालेंगे, एक्सटिंक्ट स्पीसीज में डालेंगे। चैप्टर बहुत ईजी है बच्चे, और इसको आप जब ध्यान से सुनेंगे तो आप क्या इसको पूरा का पूरा कवर कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ इमेजेस आपकी दी गई है,
जिनको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे रीजंस फॉर डिपल्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी। ये जो अलग अलग इतनी वैरायटी आ गई, अभी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, इसके लिए रीजन क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं जो बायोडायवर्सिटी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर देखिए बच्चे, यहां पे फर्स्ट फैक्टर दिया गया है। फर्स्ट फैक्टर है रीजन द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन इंडियन फॉरेस्ट वाज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। जब हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे तो अपनी ग्रीड को सेटिस्फाइड करने के लिए वो हमारे यहाँ की जो वैरायटी ऑफ जो रिसोर्सेस थे उनको यूज कर रहे थे, और जिससे क्या हुआ, जो एक पर्टिकुलर यहाँ पे एग्जांपल के लिए पर्टिकुलर जो ट्रीज हैं उनको क्या है, वो कट किए जा रहे हैं अपनी ग्रीड को सेटिस्फाइड करने के लिए, और धीरे धीरे वो ट्रीज वहां पर क्या हो जाते हैं, आपके एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। क्लियर। कॉलोनियल पीरियड ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज, वो रेलवेज वहां पर डेवलप करना चाहते थे, एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन एक्स्ट्रा लेना चाहते थे, कमर्शियल और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री करना चाहते थे। एक और फैक्टर आपका माइनिंग एक्टिविटीज थी जो इफेक्ट कर रही थी, डिपल्ट कर रही थी बायोडायवर्सिटी को। नेक्स्ट फैक्टर बच्चे यहां पर आ जाता है, नेक्स्ट फैक्टर देखिए, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसको फीड करने के लिए हमें वहां पर ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट, और ग्रेन्स कहां से आएंगे, एग्रीकल्चर से। तो खुद आफ्टर इंडिपेंडेंस हम भी यहां पर क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चर को एक्सपेंड कर रहे थे, और जिसके कारण क्या था, जो फॉरेस्ट है वो डिक्लाइन हो रहे थे, फॉरेस्ट को वहां पर क्या कट किया जा रहा था। क्लियर। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट बेटे आपका यहां पर आ जाता है, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, इतने बड़े बड़े जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, अलग अलग प्लांट डेवलप किए जा रहे हैं, वो कहां, इन्हीं फॉरेस्ट को कट करके किए गए थे, और जिससे क्या है, ये थर्ड रीजन बन जाता है जिससे हमारी बायोडायवर्सिटी क्या है, अपने आप ही यहां पर क्या डिपल्शन की ओर बढ़ रही है। ठीक है, कुछ डाटा आपको यहां पर प्रोवाइड करवाया गया। सिंस 1951 ओवर 5000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। ठीक है, कि रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के लिए क्या किया गया, 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट का जो एरिया 1951 में क्लियर कर दिया गया, साफ कर दिया गया। ठीक है, कहीं पे सपोज करो डैम्स बनाने हैं, कहीं पे नहरें निकालकर कैनल सिस्टम डेवलप करके पर्टिकुलर एरिया जहां पर अवेलेबल ऑफ वाटर नहीं है वहां पर लेके जाने हैं, तो इससे क्या, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के कारण क्या है, पर्टिकुलर एक फिक्स जो एरिया है उसको साफ किया गया। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें आ जाती है माइनिंग की बात करेंगे। ठीक है, माइनिंग भी क्या करती है, इफेक्ट करती है। माइनिंग इज अनदर फैक्टर, अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड डिफोरेस्टेशन। जंगलों के कटने में माइनिंग भी, खनन भी क्या हो जाता है, एक जरूरी कारक है। द बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटेंड बाय द वन गोइंग डोलमाइट माइनिंग, कि वहां पर डोलमाइट माइनिंग की जाती है, और जिससे क्या, ये जो रिजर्व है, ये जो वहां पर जो टाइगर्स को सेव करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है, ये काफी इफेक्टेड होता है, किसकी, माइनिंग की एक्टिविटीज के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, नेक्स्ट जो फैक्टर है वो देखेंगे, नेक्स्ट फैक्टर देखिए, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लोटेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स आर फैक्टर्स विच हैव लेड टू द डिक्लाइन इन इंडियाज बायोडायवर्सिटी। ठीक है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जो एनवायरमेंट उनको चाहिए, किसको, यहां पर वेजिटेशन की बात हो रही है, यहां पर एनिमल्स की बात हो रही है, अलग अलग लिविंग बींग्स की बात हो रही है, तो जो हैबिटेट उनको चाहिए वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, किसके कारण, हमारी एक्टिविटीज के कारण, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कारण, और कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण। ठीक है, हम हंट ज्यादा कर रहे हैं, पॉचिंग कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लोट कर रहे हैं। ठीक है, प्लांट आप एक जो ट्री है उसको कट कर रहे हैं, लेकिन उसके रिप्लेसमेंट में कोई भी प्लांट वहां पर क्या है, उगाया नहीं जा रहा है, प्लेस नहीं किया जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, उनकी नंबरिंग क्या अपने आप ही खत्म हो जाएगी। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, हम इतने ज्यादा डेवलप होते जा रहे हैं कि हम अपने एनवायरमेंट को, ग्लोबल वार्मिंग, जो अलग अलग जो हार्मफुल गैसेस हैं वो रिलीज होती रहती है, और जिससे क्या होता है, हमारे एनवायरमेंट पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बचे, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अदर इंपॉर्टेंट कॉजेस ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन आर अनइक्वल एक्सेस। जिसके पास पैसा है उसके एक्सेस में ज्यादा रिसोर्सेज है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास क्या, वो रिसोर्सेज उनके एक्सेस में नहीं है, लेकिन जिनके पास ज्यादा है उनको ओवर एक्सप्लोट करते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास पैसा है। ठीक है, तो अन
इक्वल एक्सेस भी एक मेन कारण है यहाँ पर बायोडायवर्सिटी के लिए, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है क्या अनइक्वल एक्सेस। अनइक्विटेबल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एनवायरमेंटल वेलबींग, यहाँ पर क्या शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम यहाँ पर कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे कि एक प्लांट एक ट्री कहीं पर गिर गया है टूट गया है तो उसकी रिप्लेसमेंट हम वहां पर क्या है अवेलेबल कराएंगे, नहीं करा रहे तो यहां पर क्या आ जाती डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और कोई खुद उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर नहीं चल रहा है। ओवर पॉपुलेशन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज ऑफन ओस्टेड एज ए कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ज्यादा पॉपुलेशन का बढ़ना, हम घर बना रहे हैं, हम फैक्ट्रीज बना रहे हैं, हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें वो पर्टिकुलर चीजों की रिक्वायरमेंट है, क्लियर। तो यहाँ पर एक और फैक्टर आपका जो मेन इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, ओवर पॉपुलेशन, क्लियर। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बच्चे, नेक्स्ट देखिए मेथड्स और मेजर्स टू कंजर्व बायोडायवर्सिटी, कौन कौन से तरीके हैं अभी जो बायोडायवर्सिटी, अभी बायोडायवर्सिटी के बारे में जो पढ़ रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस एक बार देख लीजिए, जो आपके कुछ नॉर्मल पॉइंट्स हैं जिनको यहाँ पे चैप्टर में अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हम फॉरेस्ट को बचा के चल रहे हैं, ठीक है, हम फॉरेस्ट को कंजर्व करके चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखो मेन क्या है, ऑक्सीजन आपकी, ठीक है, जो आपकी बारिश आती है, जो इस तरीके की जो एक्टिविटीज है जिससे हमें वाटर अवेलेबल होता है वो भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर, क्लियर। इस तरीके से जो आपकी लैंड है फर्टिलिटी है, अगर आप पोल्यूशन बढ़ रहा है, हमारी एक्टिविटीज इस तरीके की बढ़ रही है तो लैंड अपने आप ही डिग्रेड हो रही है और वहां से वो फॉरेस्ट क्या अपने आप ही क्या है खत्म होते चले जाएंगे, फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं तो बहुत सारे एनिमल स्पीसीज आपकी क्या वहां पर खत्म होती जा रही है जो हमारे लिए हमारी अलग अलग एक्टिविटीज के लिए क्या है जरूरी है, इसीलिए ये हमारे लिए क्या है रिसोर्स है। कोल पेट्रोलियम आपके किससे, डिकम्पोजिशन ऑफ द लिविंग बींग से क्या करता है बनता है, अब वो डिकम्पोज ही नहीं होंगे हमारे पास वो फैक्टर होगा ही नहीं तो ये पर्टिकुलर इस तरीके के फॉसिल फ्यूल्स हमें कहां से मिले, क्लियर। तो इसीलिए इस बायोडायवर्सिटी को हमें संभालने की जरूरत है और इसीलिए हम इनको क्या कर रहे हैं मेजर्स यहां पर देख रहे हैं कंजर्व करने की। देखिए फर्स्ट मेजर्स आ जाते हैं, फर्स्ट देखिए आपके यहां पर मैंने अवेलेबल करवाई स्क्रीन के ऊपर, हाँ जी फर्स्ट आ जाती डिफोरेस्टेशन शुड बी टोटली स्टॉप्ड, ठीक है, जंगलों का काटना कंप्लीटली बंद होना चाहिए। इंस्टेड ट्रीज शुड बी प्लांटेड ऑन डिग्रेडेड लैंड, जो जमीन अपनी फर्टिलिटी लूज कर चुकी है वहां पर क्या करनी चाहिए ट्रीज प्लांट करनी चाहिए ताकि उसकी क्वालिटी, ठीक है, वो एनहेंस हो सके। एंड ऑन लैंड वेयर वाज फॉरेस्ट अर्लियर, और वहां पर जहां से आपने पेड़ काटा है उस पर सेकेंड वन उसकी रिप्लेसमेंट जो है वहां पर अवेलेबल करवानी चाहिए जिससे क्या ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट को हम डेवलप कर सके। पीपल शुड स्टार्ट मूवमेंट अगेंस्ट ट्री कटिंग सच एज चिपको मूवमेंट, ठीक है, चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में जो आपका मूवमेंट था किसके लिए ट्रीज को, ब्रिटिश के टाइम में कॉलोनियल जो हमारा पीरियड था उसमें जब वहां पर ज्यादा ट्रीज को काटा जा रहा था तो उस फॉरेस्ट हैबिटेट को बचाने के लिए लोग ट्रीज से चिपक गए थे और इसी को क्या कहा गया था चिपको मूवमेंट कहा गया था। तो अगर लोग अवेयर होंगे इस तरीके की मूवमेंट वहां पर क्या है लीड की जाएंगी तो पेड़ जो है वो कट नहीं होंगे। नेक्स्ट यहां पर आ जाता है, नेक्स्ट देखिए वन महोत्सव एंड सिमिलर काइंड ऑफ इवेंट शुड बी सेलिब्रेटेड टू कंजर्व फॉरेस्ट, वन महोत्सव जैसे फेस्टिवल जो है इवेंट जो हमें सेलिब्रेट करने चाहिए जिससे लोगों को पता चले कि ये जो पेड़ है इनको ना काटे। मास मीडिया फॉर एग्जाम्पल टीवी रेडियो न्यूज़पेपर एक्सेट्रा शुड यूज फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस, जो अवेयरनेस हम वर्बली किसी को दे रहे हैं उनको हम टीवी न्यूज़पेपर अलग अलग जगह पर जब हम उनको क्या करेंगे वहां पर प्रेजेंट करेंगे डिस्प्ले करेंगे तो लोग क्या होंगे ज्यादा अवेयर होंगे। गवर्नमेंट शुड पास एंड इम्प्लीमेंट, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए अलग अलग जो है वहां पर लॉज पास करने चाहिए ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए जिससे क्या डिफोरेस्टेशन ना हो। इसके लिए एक्ट यहां पर आपका बनाया गया इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट इलीगल कटिंग हंटिंग एंड पोचिंग, की पेड़ों को आप इलीगली नहीं काट सकते, हंटिंग नहीं कर सकते, पोचिंग एक्टिविटीज नहीं कर सकते। ये आपका एक्ट कौन सा था इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, क्लियर।
नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं, नेक्स्ट मेजर्स ही हैं आपकी ये। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, वेरियस प्रोजेक्ट लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो एक्सेट्रा शुड बी स्टार्टेड। कि जो एनिमल्स, जो स्पीसीज एक्सनिटोरियन जो अभी वल्नरेबल हैं आपकी, ठीक है, उनको वहीं से हम क्या सेव करके चले, उनकी लाइफ को बचाते हुए चले, थोड़ी प्रोटेक्शन की जो मेजर्स है वो वहां पर लेकर चले। इस तरीके के प्रोजेक्ट लेके हैं, जैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया है। मोर नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व शुड बी आइडेंटिफाइड। देखिए, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपके अलग अलग एक तरीके की जंगलों के वन जो होते हैं उनके वहां पर क्या सिचुएशन बनाई जाती है, लेकिन उनको प्रोटेक्टेड कर दिया जाता है। उनके बाहर जो आपकी दीवारें कह सकते हैं, जाली कह सकते हैं, इस तरीके की चीजें वहां पर लगाई जाती हैं। इन पर्टिकुलर लोकेशंस पर उन जानवरों को सेफ्टी दी जाती है ताकि बाहर से लोग आकर हंटिंग ना कर सके, ठीक है, उनको कोई हार्मफुल एक्टिविटी से बचाने के लिए क्या है, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स के अलग अलग जगह पर प्लेस किए हैं गवर्नमेंट ने, ताकि वो अपनी इन स्पीसीज को क्या है प्रोटेक्शन दे सके, बचा सके। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखिए, देयर शुड बी फ्रीक्वेंट सर्वेस। लगातार गवर्नमेंट को टाइम बाय टाइम के हम वहां पर सर्वेस करने चाहिए, एंड सेंसस टू काउंट पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, की पर्टिकुलर कितना डाटा, कितनी नंबरिंग, कितनी क्वांटिटी और क्वालिटी हमारे पास अवेलेबल है पर्टिकुलर फ्लोरा और फ्यूना का, ठीक है, जिससे क्या है वैसे ही मेजर्स के स्टेप्स जो है उठाए जा सके। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बच्चे, इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इस तरीके के जो एनिमल्स हैव बीन गिवन फुल पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंट एंड ट्रेड थ्रू आउट इंडिया। इनको प्रोटेक्शन दिया गया है अंडर इंडियन लॉ कि इनकी हंटिंग नहीं की जा सकती है, इनकी जो स्किन है या इनकी जो बोन्स हैं उनकी ट्रेडिंग नहीं की जा सकती है इंडिया में। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट आ जाता है, अभी हमने पॉइंट्स पढ़े थे, ठीक है, जिसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा था, तो यहां पर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ उन टर्म्स को, वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी देखिए। अ नेशनल पार्क इज रिलेटिवली लार्ज एरिया, नेशनल पार्क क्या होता है, एक लार्ज एरिया होता है वेयर वन और सेवरल इकोसिस्टम्स एग्जिस्ट, जहां पर अलग अलग तरीके के जो वेजिटेशन है और स्पीसीज है एक साथ रिजाइड करती है। नेक्स्ट आ जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इट इज सिमिलर टू अ नेशनल पार्क, किसके जैसा है, नेशनल पार्क के जैसा है, बट दे आर डेडिकेटेड टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, लेकिन इनको एस्टैब्लिश किया जाता है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन देने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पर पॉइंट कौन सा है, बायोस्फीयर, कौन सा है बच्चे, बायोस्फीयर रिजर्व, इट इज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम जो वाइल्ड लाइफ है, पर्टिकुलर जो वाइल्ड लाइफ है उसको वहां पर क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर मल्टीपर्पज है कि यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है जेनेटिक डायवर्सिटी इन द रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम में, ठीक है, अलग अलग जो जेनेटिक डायवर्सिटी है उसको यहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है, किसमें, बायोस्फीयर रिजर्व्स में। टोटल देखिए, इंडिया हैज 89 नेशनल पार्क, 490 सेंचुरीज एंड 13 बायोस्फीयर्स रिजर्व्स, क्लियर, यहां तक का आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हुआ बच्चे। नेक्स्ट मूव ऑन करते, देखिए रोल ऑफ कम्युनिटी, लोकल पीपल, किसकी बात हो रही है, हमारी बात हो रही है, अब तक हम गवर्नमेंट की बात कर रहे थे कि उनको क्या मेजर्स लेनी चाहिए, अब यहां पर किसकी बात हो रही है, हमारी बात हो रही है। तो लोकल जब वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट जो है उसको कंजर्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। कम्युनिटी और लोकल पीपल आर वेरी हेल्पफुल इन कंजर्विंग बायोडायवर्सिटी, देखिए सबसे गवर्नमेंट स्टेप्स लेते हैं, उन स्टेप्स को इंप्लीमेंट करने की ड्यूटी किसकी होती है, हमारी होती है, और हम ऐसे किसी ड्यूटी को फॉलो नहीं करते, हमारा क्या जाता है वर्ड हम क्या है वहां पर यूज करते हैं, हमें क्यों करना है, ठीक है, आए समझ में। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उन चीजों को प्रोटेक्ट नहीं करते, लेकिन इट्स आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट दीज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जिसमें आज प्लांट्स आ जाते हैं। मेनी कम्युनिटीज लिव इन दी फॉरेस्ट, ट्राइबल पीपल जो होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, और वो इस चीज को काफी सेक्रेट मानते हैं, और इसलिए क्या वो उसको पूछते हैं, ठीक है, इन फॉरेस्ट से जुड़ी हुई जितनी भी वहां पर कंपोनेंट है उन कंपोनेंट को।
फॉरेस्ट इज होम ऑफ एनी मेनी ट्रेडिशनल पीपल्स. बहुत सारे लोगों के लिए क्या है, फॉरेस्ट एक होम है, जैसे हम अपने घर में रह रहे हैं. इन राजस्थान लोकल पीपल कम फॉरवर्ड टू स्टॉप माइनिंग एक्टिविटीज टू प्रोटेक्ट सरिस्का टाइगर रिजर्व. राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व जो प्रोजेक्ट वहां पर, जो प्लान वहां पर बनाया गया था, उनमें उस पर्टिकुलर एरिया को, उस रिजर्व को बचाने के लिए, वहां पर माइनिंग एक्टिविटीज को स्टॉप करने के लिए लोकल जो पीपल थे उन्होंने क्या मूवमेंट किया, ताकि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अवेयरनेस के कारण कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए वो कुछ स्टेप्स वहां पर क्या है ले सके. पीपल ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर ऑफ लैंड एज भैरव देव द सोनचुरी. उन्होंने जो पर्टिकुलर एरिया था उसको डेडिकेटेड कर दिया. किसको? भैरव देव. इन विच दे डोंट अलाउ हंटिंग. और इस 1200 हेक्टेयर एरिया जो था इसमें हंटिंग नहीं की जाएगी. ऐसी मेजर्स, ऐसी वहां पर क्या है जो स्टेप्स हैं लिए गए. इन झारखंड मुंडा ट्राइब वर्शिप महुआ एंड कदम ट्रीज. जो महुआ ट्राइब के जो लोग हैं, आदिवासी जो ग्रुप है, वो महुआ और किसके, मुंडा जो ट्राइब के जो पीपल हैं, वो महुआ और कदम जो ट्री है उसकी वर्शिप करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और इसलिए वो इनको कट नहीं करते और ना ही कट करने देते हैं. तो ये किसके स्टेप से बचे, हमारी स्टेप थी जिसके लिए क्या है हम यहाँ पर डेडिकेटेड होकर रहना हमारे लिए जरूरी है अपनी सराउंडिंग में. नेक्स्ट पॉइंट जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फेमस चिपको मूवमेंट इन हिमालय वहां स्टार्टेड बाय लोकल कम्युनिटी. उन पेड़ों को बचाने की जो एक्टिविटी थी, जो मूवमेंट था, वो जो वहां के स्थानीय लोग थे उन्होंने स्टार्ट किया था. कोई गवर्नमेंट ने वहां पर लॉ पास नहीं किया था. बीच बचाओ आंदोलन एंड नवदान्या मूवमेंट हैव आल्सो बीन स्टार्टेड इन हिमालय. वहां की वेजिटेशन को, वहां की फूना को बचाने के लिए इस तरीके के वहां पर क्या मूवमेंट लॉन्च किए गए, जो हमारी सराउंडिंग में भी, हमारे नियर बाय एरिया में भी क्या है, इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए. नेक्स्ट आ जाता है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट. JFM stated in India is good method of evolving local community in forest conservation. Joint forest management, जिसमें क्या सरकार भी होती है और जिसमें local communities भी होती है, और वो combine में क्या करती है, इस तरीके की activities करती है जिससे forest को conserve कर सके. किसको? Forest को conserve कर सके. Next देखिए आ जाता है types of forest in India. Types of forest in India. First जो forest है ये देखिए, फर्स्ट आ जाते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट. दीज फॉरेस्ट आर earmarked ओनली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टिम्बर. ठीक है, इस तरीके की जो फॉरेस्ट है वो पर्टिकुलर एक तरीके की जो ट्री है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए क्या है, एक अलग सेक्टर जो है आपका उनमें रख दिया जाता है. मतलब इनको क्या है, बाकी जो आपके फॉरेस्ट है उनसे अलग कर दिया जाता है. किस दायरे में अलग किया जाता है, देखिए, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स आर नॉट अलाउड इन दीज फॉरेस्ट. कि यहां पर ना तो एनिमल्स को ग्रेज किया जाएगा, ना किसी तरीके की कल्टीवेटिंग एक्टिविटीज यहां पर की जाएंगी. ठीक है, तो इसलिए इस तरीके की फॉरेस्ट को, उन पेड़ों को बचाने के लिए क्या कर दिया जाता है, रिजर्व कर दिया जाता है, उनको अलग से रख दिया जाता है, और इसीलिए इनको क्या है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहा जाता है. नेक्स्ट टर्म आपकी आ जाती है बच्चे, नेक्स्ट टर्म कौन सी है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. दीज फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फर्दर डिपल्शन. इनको आगे जो नुकसान होने वाला उससे बचाने के लिए इनको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कर दिया जाता है. कि हाँ, हमें पता चल गया कि ये पर्टिकुलर जो टाइप ऑफ ट्री है ना, ये खत्म होने वाली है और अब हम इसको क्या कट नहीं करेंगे. ठीक है, लेकिन राइट ऑफ ग्रेजिंग एंड कल्टीवेशन इज अलाउड. जैसे रिजर्व फॉरेस्ट में कल्टीवेशन और ग्रेजिंग अलाउड नहीं थी, इसमें वो दोनों एक्टिविटीज अलाउड है. ठीक है, पर्टिकुलर उन प्लांट्स को, उस वैरायटी ऑफ वेजिटेशन को क्या है, यहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है. थर्ड टाइप आ जाता है अनक्लास फॉरेस्ट. ये आपके नॉर्मल जंगल है जिनमें कोई भी एक्टिविटी आपकी बैन नहीं की जाती है. ठीक है, किसी भी तरीके की यहाँ पर अलग अलग जो वैरायटी ऑफ वेजिटेशन है या लिविंग बींग की जो बायोडाइवर्सिटी है उनको यहाँ पर क्या प्रिजर्व नहीं किया जाता है. कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर क्या है, नहीं होती है. ठीक है, डाटा देखो, यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट आपके 54% है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आपके 29% है, और अनक्लास्ड फॉरेस्ट आपके 16% है. क्लियर, यही सब डाटा बेटे आपको जो आपके एग्जाम्स होंगे उसमें क्या है आपको अवेलेबल कराना है, समझना है और वहां पर क्या अटेम्प्ट करना है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, ये आपका डाटा यहां पर दिया गया है. डाटा जो मैं आपको बता देती हूँ, अबाउट 33% लैंड मस्ट बी अंडर फॉरेस्ट. एक
किसके लिए? फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस, कि जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए टोटल जो लैंड मास है उसके 33% पर क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट होने चाहिए, बट ओनली 23, जो इंडिया में जो एरिया है वो 23% ही अंडर फॉरेस्ट है, ठीक है? तो कितना 10% आपका क्या हो गया? कम हो गया। नेक्स्ट है बच्चे, अंडमान एंड निकोबार हैज अबाउट 87%, ठीक है? सबसे हाईएस्ट होना कितना चाहिए? 33, हमारे पास कितना है? 23, और अंडमान निकोबार में ये कितना है? 87%। भाई इन हिमालयस ओनली 4% लैंड इज अंडर फॉरेस्ट, और जहां पर हिमालय की बात करेंगे वहां पर कितनी है? सिर्फ 47%। मोस्ट ऑफ दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एक्सेट्रा हैव मोर 60% लैंड अंडर फॉरेस्ट, ठीक है? तो आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ डाटा मिल रहा है बच्चे कि कहाँ पर कितने परसेंट आपके क्या है फॉरेस्ट अवेलेबल है पर्टिकुलर एरिया में। बट इन पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर हैव लेस देन 10% लैंड अंडर फॉरेस्ट, क्लियर? जहां हिमालय 4% थी, जम्मू कश्मीर में कितनी है? 10%। साउदर्न स्टेट्स हैव मॉडरेटली कवर्ड विद फॉरेस्ट, अबाउट 20-30% लैंड इज अंडर फॉरेस्ट इन दिस स्टेट। यहां पर कितने 20-30% तक क्या है फॉरेस्ट यहां पर अवेलेबल है। तो ये क्या था? इंडिया का डाटा आपका। इसके बाद आपका आ जाता है प्रोजेक्ट टाइगर। अलग अलग आपके प्रोजेक्ट जो हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोजेक्ट आपके एनसीईआरटी में अवेलेबल करवाए गए हैं, जो क्या है आपको वहां पर रीड करने हैं, जिसमें से देखिए एशियाटिक का आपका चीतावाड़ा दिया गया था। यहां पर एक आपका जो प्रोजेक्ट है वो बता देती हूँ, टाइगर, ठीक है? टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्पीसीज अमंग फौना। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैज डिक्रीज रैपिडली इन द लास्ट 100 ईयर्स। पिछले जो 100 साल थे उसमें क्या है इनकी जो नंबरिंग है वो काफी कम हुई है। मेजर रीजन आइडेंटिफाइड बिहाइंड डिपल्शन ऑफ टाइगर्स वर हंटिंग एंड पॉचिंग। एक और है डिफोरेस्टेशन, डिपल्शन ऑफ प्रे एक्सेट्रा, कि खाने की उनको जो डाइट चाहिए, जो एनवायरमेंट चाहिए वो उनको अवेलेबल नहीं हो रहा है, इसलिए भी क्या उनकी डेथ होती जा रही है। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड इन 1973 में स्टार्ट किया गया था। क्यों स्टार्ट किया गया था? जो टाइगर्स खत्म हो रहे हैं उनको बचाने के लिए। देयर आर 27 टाइगर्स रिजर्व्स इन इंडिया। प्रोजेक्ट टाइगर हैज सक्सेसफुली इंप्रूव्ड द कंडीशन। जो एक वहां पर स्टेप लिया गया था वो स्टेप काफी सक्सीड रहा। पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 1800 टू अबाउट 3600 इन द लास्ट 30 ईयर्स, की गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया और उस स्टेप के क्या है हमें फायदे हुए, ठीक है? तो ये क्या था? प्रोजेक्ट टाइगर। यहीं पर बच्चे आज का सेशन खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि जो आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पर अवेलेबल करवाया गया है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपको चैप्टर जो है थोरोली समझ आया होगा। अगर मेरी जो ये सेशन है आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने जो दूसरे क्लासमेट्स हैं उन क्लासमेट्स के साथ। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।